नमस्कार। आजमगढ़ से बड़ी खबर। जेपीआर गर्ल्स डिग्री कॉलेज सेठवल रानी की सराय में चल रहे 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना के तीसरे दिन कार्यक्रम में आए हुए श्री दुर्गा जीपीजी कॉलेज चंडेश्वर आजमगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग एवं अध्यक्ष शिक्षक संघ डॉक्टर प्रवेश सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय एकता में धर्म की भूमिका में एकता का साधारण अर्थ होता है मिलजुल कर कार्य करना। राष्ट्रीय एकता एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया व एक भावना है जो किसी राष्ट्र अथवा देश के लोगों में भाईचारा अथवा राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं अपनत्व का भाव प्रदर्शित करती है। एकता का महत्व मनुष्य को तभी पता चलता है जब वो बिल्कुल आदिम अवस्था में होता है। राष्ट्रीय एकता का मतलब ही होता है राष्ट्र के सब घटकों में भिन्न भिन्न विचारों और भिन्न आस्थाओं के होते हुए भी आपसी प्रेम, एकता और भाईचारे का बना रहना। राष्ट्रीय एकता में केवल शारीरिक समीपता ही महत्वपूर्ण नहीं होती बल्कि उसमें मानसिक, बौद्धिक, वैचारिक और भावात्मक निकटता की समानता आवश्यक है। विशिष्ट अतिथि श्री दुर्गा जीपीजी कॉलेज चंडेश्वर आजमगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विभाग डॉक्टर ईश्वर चंद त्रिपाठी एवं अग्रसेन महिला महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश यादव ने धर्म की भूमिका पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार धर्म लोगों को संगठित करने का कार्य करता है और भाईचारे की भावना के साथ समाज को समग्र विकास के पथ पर अग्रसर करता है। सामाजिक एकता को बढ़ाना विश्व के सभी धर्मों की स्थापना का मूल्य उद्देश्य है। महात्मा बुद्ध ने भी धम्म शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि का संदेश दिया, अर्थात उन्होंने धर्म के शरण में और इस प्रकार संघ के शरण में अर्थात संगठित होने का आह्वान किया जो आपसी एकता एवं भाईचारे का परिचायक है। कॉलेज के प्रबंधक शैलेश कुमार राय ने आए हुए सभी आगंतुकों को माल्यार्पण कर अंग वस्त्र देकर सम्मानित करते हुए कहा कि लोगों को संगठित रखने में धर्म की निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका रही है। धर्म की वजह से प्राचीन काल से ही प्राचीन सभ्यताओं ने अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत रहे। धर्म किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी स्तरों पर प्रभावित करता है और साथ ही धर्म किसी भी समाज में एकजुटता का एहसास भी दिलाता है। धर्म की वजह से लोगों की विचारधाराओं में समानता होती है और एक धर्म के लोग विश्व स्तर पर एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं, सामूहिक उन्नति के लिए अग्रसर होते हैं। जेपीआर गर्ल्स डिग्री कॉलेज एनएसएस सेविकाओं को ग्राम सभा कोठवल के खलीलाबाद बस्ती में जाकर राष्ट्रीय एकता एवं धर्म की भूमिका पर महिलाओं को बताई एवं गांव में साफ सफाई कर मानवता का परिचय दिया। छात्र इकाई प्रभारी दीपिका यादव ने आए हुए सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। एनएसएस कार्यक्रम में उपस्थित जेपीआर गर्ल्स डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर इश्तियाक अहमद, गोविंद गिरी, चंद्रेश कुमार यादव, सुषमा राय, आमिना परवीन, ब्रिजेश यादव आदि लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं इंडिया पावर न्यूज की एक रिपोर्ट। सर, राष्ट्रीय एकता और धर्म की भूमिका के बारे में हमने क्या कहना चाहते हैं बच्चों को? आज का विषय धर्म की भूमिका पर बहुत अच्छी टॉपिक महाविद्यालय परिवार ने बच्चों को दिया था। इस पर बच्चों ने बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया है उसमें कुछ ऐसी नई चीज़ें जो हम लोगों को सीखने का मौका मिला है उससे बच्चों से हम लोग सीखे हैं, लेकिन मुख्य चीज़ थी कि वर्तमान परिवेश में जो वातावरण प्रदूषित है उसमें ऐसे विषय को रख करके महाविद्यालय परिवार का हम लोग आभारी हैं कि इतना सुंदर विषय रख करके बच्चों के मन में जो भ्रांति की हो चाहे कुछ हो, बाकी चीज़ें बच्चे सब धर्मों पर एक चीज़ उन्होंने बच्चों ने स्पष्ट किया कि हर धर्म हमें सद्मार्ग पर चलना सिखाता है और मेरी समझ से बच्चों को इसमें बढ़ चढ़ के बच्चों की हिस्सेदारी हम लोगों को काफ़ी एनर्जी प्रदान की, काफ़ी ऊर्जा प्रदान की और अंततः हम लोगों से भी जो हो सका हम लोगों ने बच्चों को ये बताने का प्रयास किया कि धर्म कभी कुविचार नहीं सुविचार सिखाता है, सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और ऐसा विषय ला करके महाविद्यालय परिवार में जो एक नई ऊर्जा बच्चों में पैदा की है इसके लिए मैं महाविद्यालय परिवार का बुलाया। सर, जो आज राष्ट्रीय एकता धर्म के बारे में जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं प्रबंधक जी? आज जो टॉपिक था राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम में जो है वो था राष्ट्र के धर्म। आज के कार्यक्रम में जो टॉपिक